अरे इतनी मेहनत से आपके लिए नई नई वीडियोस लाएं और फिर दूसरे दिन पे पता चले कि भाई आपके व्यूज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। खैर ये गुस्सा मैं अपना बाद में निकालती हूँ। मम्मी नानी ने पहले अदरक को इस तरीके से ग्रिल किया ताकि वो अच्छे तरीके से उसका छिलका उतर जाए। फिर कुछ मसाले लिए जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, उनको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद सरसों के तेल को भी थोड़ा सा गर्म कर लिया और सारे मसालों का फाइन पाउडर बना दिया। यहाँ पे अदरक और मिर्ची चॉप की। अब ये मिर्ची वाले हाथ अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डालिएगा वरना देखने के काबिल नहीं रहेंगे। अदरक और मिर्ची को अच्छे तरीके से हवनदस्ते में कूट लिया। उसके बाद ये मसालों का पाउडर और ये दूसरे मसाले निकाल दी जो यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब ये जो मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाया हम लोगों ने, उनमें सारे ये मसाले ऐड करते जाएंगे। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रही थी कि कौन है वो मुफ्ताखोर लोग जो अच्छे से वीडियो देख के एंटरटेन होके बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। यार कर लिया करो, कुछ नहीं जाता। मेरा तो मूड खराब हो गया लेकिन फिर अम्मी नानी ने ये अचार बना के खिलाया। अब यहाँ पे ये मसाला एक जार में ट्रांसफर किया, उसमें थोड़ा सा जो सरसों का तेल गुनगुना था वो ऐड किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग विनेगर ऐड किया और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बंद करके रख दिया और फिर रोटी के साथ एंजॉय किया।